आपके बहुत काम आने वाली आसान टिप्स थोड़ा कीमती समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें। नंबर एक, अगर आप चेहरे पर गर्म पानी की भाप लेते हैं तो इससे चेहरे के रोम चित्र खुल जाते हैं व चेहरे की गंदगी साफ हो जाती है। नंबर दो, रोटी के साथ गुड़ खाने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर तीन, पानी में नमक शामिल करके घर के कोने कोने में छिड़को, मच्छर नहीं आएंगे। नंबर चार, अगर हरी सब्जी बासी लग रही है तो उसे ठंडे पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर 2 घंटे के लिए उसमें रख दें, निकालने पर सब्जी ताजी बनी रहती है। नंबर पाँच, कुछ भी हो जाए साल में एक बार जामुन खाना ही चाहिए। हमारे भोजन के साथ कई बार अनजाने में बाल चले जाते हैं और जमा होते रहते हैं और निकल भी नहीं रहे हैं और ना किसी दवाई से गलते हैं, परंतु 5 जामुन एक बार खाने से ही गल जाते हैं। नंबर 6, जो लोग घर के रूम में हीटर जलाते हैं वह सतर्क हो जाए, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द हो जाता है। नंबर 7, जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे और दाने निकलते हैं वह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया रात भर भिगोकर सुबह छानकर खाली पेट 15 दिनों तक पीने से जीवन भर कभी भी दाने नहीं आएंगे। धनिये में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरिया गुण होते हैं। नंबर 8, सोने वाला तकिया को हफ्ते में एक बार ज़रूर धो लिया करें, इससे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होती। नंबर 9, कद्दू के बीज खाली पेट खाने से कभी भी खून की कमी नहीं होती। नंबर 10, यदि कपड़े धोने के बाद छोटे हो गए हैं तो उन्हें गर्म पानी में हेयर कंडीशन को घोल में 5 मिनट भिगोकर रख दे, फिर उसे पुरानी साइज में आ जाते हैं। नंबर 11, आपने पूरे शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए फिटकड़ी से मसाज करें। नंबर 12, रोज़ाना हरी मिर्च का सेवन करने से मोटापे में राहत मिलती है। नंबर 13, खजूर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पेट को स्वस्थ रखता है। नंबर 14, चाय में 1 चम्मच चीनी से शरीर में 48% कैलोरी मिलती है। नंबर 15, चाय पीने से पहले पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और दांत पर चाय में पाए जाने वाले टैनिन नामक में केमिकल चिपकता है। नंबर 16, नाशपाती में फाइबर होता है जो कब्ज और अपच को ठीक करने में मदद करता है। नंबर 17, अपने शरीर की देखभाल अपने पैसों से ज़्यादा कीजिए। अगर शरीर गड़बड़ा गया तो पैसे भी इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। नंबर 18, अगर सुबह सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने के चक्कर में ब्रेकफास्ट छूट जाता है तो एक केला खाकर निकले। केला खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। नंबर 19, रंग गोरा और साफ करना है तो रात को कच्चे दूध की मलाई लेकर चेहरे पर लगा ले और सुबह मुंह धो ले। नंबर 20, जवाई लेते वक्त कभी भी अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए वरना जुबान को कुछ देर के लिए लकवा हो जाता है। नंबर 21, अगर आपको लूज मोशन बंद नहीं हो रहा है तो 2 चम्मच अदरक का रस 2 चम्मच गर्म पानी करके नाभि के आसपास लगाएं और इसे रुई भिगोकर नाभि पर रख दें, लूज मोशन बंद हो जाएगा। नंबर 22, अगर आपको थोड़ा सा काम करते ही कमज़ोरी महसूस हो तो सोयाबीन का सेवन कीजिए, इससे किसी भी तरह की कमज़ोरी दूर रहती है। नंबर 23, 6 ग्राम सौंफ का चूर्ण देसी घी के साथ 3 माह तक सेवन करें, निश्चित की गर्भधारण हो जाता है। नंबर
24 पान के पत्ते को कभी भी उबालकर पीने से छाती का कफ दूर होता है और खांसी से भी राहत मिलती है। नंबर 25 अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना है, इससे दांतों की गंदगी बाहर निकल जाती है। नंबर 26 सावन के महीने में कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। नंबर 27 नहाने के बाद सोने से दिल कमज़ोर होता है, इसलिए नहाने के बाद सोना नहीं चाहिए। नंबर 28 यदि पेट फूल जाता है तो अदरक का रस निकालकर उसमें थोड़ी सी हींग काला नमक मिलाकर हल्का सा गर्म करके पी लिया जाए और ऊपर से गर्म पानी पी ले तो आफरा तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। नंबर 29 दिल की सेहत के लिए चाय एंटीबायोटिक दवाओं का असर करती है कम। नंबर 30 जब रात में कपड़े सुखाते हैं तो नामना ऊर्जा कपड़ों के पवित्र कर जाती है और उनके ऊपर सुबह हम पहनते हैं तो इससे ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है जो नुकसानदायक होता है। नंबर 31 अक्सर लोग रात में कपड़े धोते हैं और उन्हीं को सूखने के लिए डाल देते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि ये गलती से भी वहाँ सूखी जीवन नहीं जी पाते अक्सर और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नंबर 33 नीम की जुड़ी समस्याओं त्वचा की जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। नंबर 34 खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान नज़र आने लगती है। नंबर 35 भुना हुआ लहसुन खाने से शरीर में मौजूद जहरीला पदार्थ यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। नंबर 37 हल्दी को भूनकर शहद के साथ चाटने से जुखाम में जल्दी ठीक हो जाता है। हल्दी वाला दूध पीने से जो घाव होते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं। नंबर 39 अगर आपको हाजमा ख़राब रहता है तो आप भुट्टे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 40 चेहरे पर मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इससे आसानी से मेकअप उतर जाएगा। कच्चे दूध को कॉटन रुई में लेके उसे चेहरा साफ करें। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक सामान्य जानकारी थी हमने आप तक शेयर की। ऐसी ही वीडियो टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नए